हेलो फ्रेंड्स, आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। सारे पीजी वाले बच्चे जिन्होंने CUET दी थी फॉर देयर पोस्ट ग्रेड कोर्सेज इन DAVV, स्पेशली जो मेन कोर्स होते हैं IMS में और IIPS में, उसकी सेकंड काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड काउंसलिंग, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पीजी के वीडियोज बनाए पीजी की सेकंड काउंसलिंग कब होगी, बहुत सारे बच्चों का करियर एट स्टेक पे रखा हुआ था, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। सेकंड काउंसलिंग की डेट आ चुकी है और वो डेट है 19/11, मतलब 19 नवंबर को सेकंड काउंसलिंग है। सारी प्रोसेसेस वही है जो उन्होंने CUET की एग्जाम दी थी, जिनका रिजल्ट अवेटेड था, या जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाया था, उन सब बच्चों के लिए पीजी की सेकंड काउंसलिंग की डेट है दोस्तों 19 नवंबर। अब कुछ दूसरी बातें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको, आपको सारी कैटेगरी वाइज गिवन है, SC ST हर बच्चों को बुलाया, ऑल रजिस्टर्ड मेरिट, जितने भी लोग SC ST में है तो वो तो सब बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि अब सेकंड काउंसलिंग में थोड़ा सा लेटर रैंक, जिनके रैंक पीछे, उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले DAVI की काउंसलिंग लेट हुई है, इसलिए आपके चांसेस बढ़ गए। सेकंड काउंसलिंग तक बहुत सारे बच्चे वेट ही नहीं करते, उतना पेशेंस जो होता है, सफल सब्र का फल, उतना बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस या अलग अलग कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग हो रही है 19/11 को। रैंक वाइज टाइम है, जिनके रैंक 1 से लेकर 3000 तक के उनको 130 पे आना है, जिनको 3000 से 6000 की रैंक उनको 230 पे जाना है, जिनकी 6000 से 10000 तक की रैंक है उनको 330 पे जाना है, जिनकी 10000 से 15000 की रैंक है उनको 430 पे, एंड देन उसके बाद 15000 से 22000 तक की रैंक वाले बच्चों को ही बुलाया है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो शायद बच्चों की फेवरेट चॉइस नहीं होते हैं, बट एक और बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप IMS या IIPS से या DAVI अहिल्या विश्वविद्यालय से कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं उसको हमेशा बेनिफिशियल बोलता हूं, क्योंकि इस सबका ROI बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप खुद सोचो, आपके कॉलेज की फीस अप्रॉक्स होती है 70-80,000 पर ईयर, मतलब 1.5 लाख से 1,60,000 में कोई भी कॉलेज आपको MBA दे रहा है, MBA विथ प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब 100% प्लेसमेंट होता है IMS का। अगर मैं आपको बात बता दूं तो IMS पे मैं अभी लास्ट वीक भी IMS के प्लेसमेंट सेल में था, तो हर बच्चा, मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट अ पैकेज। हाँ, पैकेजेस रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 20 लाख तक के सारे पैकेजेस होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा हर कोई 20 लाख पर पैकेज हो रहा है, बट अगर अपन ROI देखें तो काफी अच्छा है। क्या इसके थ्रू तुम PMYY स्कीम के तहत स्कॉलरशिप भी ले सकते हो? हाँ, स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक कहीं कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, वो सेकंड काउंसलिंग में बिल्कुल जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे आपको सपोर्ट करने का। हम पूरा ट्राई करेंगे कि 19 नवंबर को शायद DAVI में हम आपके साथ रहें, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वाले एंगल पे कभी वीक मत रहना, वरना उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए भागना रहता है। That's all from my side. अब आपका जो कोर्स फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, एक पूरा डिटेल वीडियो आने वाला है कि आप अलग अलग कोर्सेज में क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे DAVI के साथ, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, उसका डायरेक्टली इंटरव्यू पे क्या इंपैक्ट होता है, या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सब्जेक्ट ज्यादा काम के हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर।